हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148A क्लॉज बी के अंदर असेसी को अपना जवाब देने के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है, मिनिमम टाइम लिमिट दी गई है, उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं नॉट टू बी लेस देन 7 डेज। तो इस क्लॉज का क्या मतलब है सेक्शन 148A क्लॉज बी के अंदर, ये चीज झारखंड हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट सतीश कुमार वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर के केस में बताया। ये मैटर 459 आईटीआर पेज नंबर 67 पर रिपोर्ट हुआ। जब भी हमारे पास कोई नोटिस आता है सेक्शन 148A क्लॉज बी का, तो सबसे पहले दिमाग में यह बात आती है कि जो हमको नोटिस देने का जो टाइम लिमिट दी गई है उसके अंदर डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस या जिस दिन हमको रिप्लाई करने की आखिरी डेट है वो भी हमारे 7 दिन के अंदर इंक्लूड होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा प्रश्न रहता है। प्रेजेंट केस में असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का शो कॉज नोटिस इशू किया गया, जिसके अंदर यह कहा गया कि आप ये बताएं कि आपके अगेंस्ट सेक्शन 148 का नोटिस क्यों ना इशू किया जाए, और यह नोटिस 22 मार्च को इशू किया गया और असेसी को जो रिप्लाई देना था वो 29 मार्च को देना था। अब यदि हम डेज कैलकुलेट करें तो हमारे जो डेज बनते हैं 22 मार्च और 29 मार्च के बीच में वो 23, 24, 25, 26, 27 और 28 बनते हैं, खाली 6 दिन। कोर्ट का इस केस में यह कहना था कि क्योंकि सेक्शन 148 ए क्लॉज बी में लिखा हुआ है मिनिमम 7 डेज टू बी गिवन, या दूसरे शब्दों में नॉट टू बी लेस देन 7 डेज, तो जहां पे नॉट टू बी लेस देन 7 डेज है इसका मतलब है क्लियर 7 डेज, और इस 7 दिन को कैलकुलेट करने के लिए जिस डेट पर नोटिस इशू किया गया है और जिस डेट पर असेसी को रिप्लाई दिया, असेसी को रिप्लाई देना है, वो दोनों दिन उस 7 दिन को कैलकुलेट करने में कैलकुलेट नहीं किए जाने चाहिए। प्रेजेंट केस में एक और छोटा सा इशू यह था कि जब असेसी को नोटिस दिया गया तो 22 मार्च का नोटिस था और असेसी को 29 मार्च तक इसका जवाब देना था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने 26 मार्च को ही पोर्टल बंद कर दिया। असेसी समझदार था, असेसी ने उस जो पोर्टल को बंद किया था ऑफिसर ने उसका स्क्रीनशॉट लिया। जब 26 मार्च को असेसी के लिए पोर्टल बंद कर दिया गया और असेसी अपना रिप्लाई सबमिट नहीं कर पाया, तो असेसिंग ऑफिसर ने 31 मार्च को असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। असेसी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लेकर के गया कि साहब मेरा 26 मार्च को पोर्टल बंद कर दिया था, मेरी आखिरी डेट 29 मार्च की थी रिप्लाई देने की, और वैसे भी मुझे क्लियर 7 डेज का टाइम नहीं दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 148A क्लॉज बी का मैंडेट है वो ये है कि असेसी को क्लियर 7 डेज का नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसके अंदर डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस और जिस डेट पर असेसी को रिप्लाई सबमिट करना है वो डेट इंक्लूड नहीं होगी। कोर्ट ने यह कहा कि डिपार्टमेंट की यह दलील कि जब पोर्टल बंद कर दिया गया था तो असेसी को एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाकर के अपने कंसर्न को रेज करना चाहिए था, ऐसी जो डिपार्टमेंट की कंटेंशन है इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और वो बेसलेस है। और प्रेजेंट केस में हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया गया था और सेक्शन 148 का जो नोटिस इशू किया गया था उसको क्वेश्चन किया और मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक कर दिया कि असेसी को कम से कम 7 दिन का क्लियर डेज का टाइम दिया जाए अपने रिप्लाई को सबमिट करने के लिए। फ्रेंड्स, विद ड्यू रिकॉर्ड टू ऑल द हाई कोर्ट्स इंक्लूडिंग द झारखंड हाई कोर्ट इन दिस प्रेजेंट केस, मेरा यह मानना है कि जहां पर डिपार्टमेंट अपने प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता, जहां पर जवाब देने से पहले ही पोर्टल बंद कर दिया जाता है और सेक्शन के मैंडेट के बाद भी असेसी को 7 दिन का टाइम नहीं दिया जाता, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ना केवल नोटिस और ऑर्डर को क्वेश्चन किया जाना चाहिए बल्कि डिपार्टमेंट को सेकेंड इनिंग्स
रीओपन करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। जब तक डिपार्टमेंट को ऐसा स्ट्रिक्ट मैसेज नहीं जाएगा, डिपार्टमेंट ऐसी गलतियां बहुत लाइटली करता रहेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सतीश कुमार वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और यह केस 459 आईटीआर पेज नंबर 67 पर रिकॉर्ड हुआ। मैटर झारखंड हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।